तो यहाँ पे सुबह हो गई है। मैंने रात को ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। तो सुबह का जो माहौल है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, बेड वगैरह बैग्स वगैरह हम लोग ले आए थे, कुछ भी नहीं किया था और हम लोग सारी रात इस मैट्रेस पे सोए थे और शेजल को यहाँ पे सुलाया था। आप घर की हालात देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गन डला हुआ है फिलहाल। और अभी घर के ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग घर में नाश्ता कर सकें, तो हम लोग बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। और ये देखें जरा, ये किचन के ये हालात हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ साथ अपडेट देती रहूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं जा के आपको दिखाती हूँ कि मतलब हम क्या नाश्ता करते हैं। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे और ये जो रेस्टोरेंट है मेरे हस्बैंड के जो न्यू दोस्त बने हैं उन्होंने हमें रेकमेंड किया था, क्योंकि मैं जब से सऊदीया थी, सऊदीया में भी एक दो दफ़ा मैंने हलवा पूड़ी खाई, लेकिन जब से मैं अमेरिका में आई थी मैंने कभी भी हलवा पूड़ी नहीं खाई। तो मेरा इतना दिल करता था वीडियोज़ में देख देख के। तो उन्होंने कहा कि आपने हलवा पूड़ी खानी है तो आपको मैं एक रेस्टोरेंट बताती हूँ, वहाँ से जाके खा लो। जी ये काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ से हलवा पूड़ी ट्राई करने लगी। लेकिन एक बात कहूँगी कि जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तानी है, वहाँ के खानों की क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पे हर हलाल रेस्टोरेंट में ना यहाँ पे इन्होंने छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर बनाया होता है जहाँ पे मसाले वगैरह और ऐसे मीठे में कुल्फ़ी वगैरह रखी होती है। क्योंकि मेरा नाश्ता आ गया था लेकिन क्वान्टिटी बहुत कम थी, सालन की 3 बूढ़ियाँ थी, उसके साथ बहुत कम सालन था। करने के बाद हम लोग फर्नीचर देखने जाने वाले थे तो यहाँ पे हमें रास्ते में ये नज़र आया, हमने सोचा चलते हैं। जब हम अंदर गए तो पहले शॉपिंग मॉल था, उसके बाद ऊपर फर्नीचर की शॉप थी। तो जी हमने शेल्टर के लिए यहाँ से एक जैकेट ले ली क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, तो जी उसकी फिर से शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ से उसकी बड़ी प्यारी सी मैंने जैकेट ली थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी करना नामुमकिन है और यहाँ पे कोई ट्रॉली वगैरह भी नहीं थी, तो शेजल को हम लोगों ने उठाया हुआ था तो बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए। वो देखिए जी मैडम जी खड़ी हुई हैं, कह रही हैं चलिए ऊपर चलते हैं, फिर हम उसको ऊपर लेके गए। अभी जी हम लोग आए हैं बेड वगैरह देखने के लिए क्योंकि जो हमारा बेड है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो क्वीन साइज़ है, हमें किंग साइज़ चाहिए, तो वो देख रहे हैं। जो कोई पसंद आता है तो यहाँ से ही बाय करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये बेड सेट है, इसके साथ वो ड्रेसिंग है, वो साइड टेबल है, एक ये है, इसके बेड में लाइट्स हैं। मुझे ये वाला पसंद आ रहा है क्योंकि ये वाला मैंने सऊदीया में इस टाइप का था हमारा, लाइक इसमें स्टार्स हैं और ये है, ये इसका साइड टेबल है और ये इसका बेड है। जस्ट लेट मी शो यू इन द क्लोज। लोग बेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शेजल अब बड़ी हो गई है तो वो अपने बेड पे बिल्कुल भी नहीं सोती है, वो कहती है मैंने आप लोगों के साथ ही सोना है। क्वीन साइज बेड है, बहुत कम पड़ता है, एक जितना भी सोफे पे सोता है या फिर जितना फ्लोर पे सोता है। सोचा यही बेटर है कि हम लोग न्यू ले लें। लोग यहाँ से सिर्फ पसंद करने आए थे और फिर घर जाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो ये फायदा होगा कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना तो हमारे घर पर डिलीवर करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से बाय खुद करेंगे तो हमें खुद लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोगों ने पसंद किया और उसके बाद उसको घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर किया। शेजल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, हमारा घर तो वो है। लिटरली वो रोती रहती थी कि घर जाना है, घर जाना है, होम 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 कहती है बस। उसको समझाना बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए, आप लोग वीडियो में देखेंगे कि वो रो रही है घर जाना है। खैर यहाँ पे और भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी, ऐसी जगह पर बंदा आया तो दिल करता सारी चीजें ही ले लो। हर चीज शेजल के हिसाब से लेनी होती कि अगर हम ये लेंगे तो वो खराब तो नहीं करती। मुझे ना मसाज चेयर का बहुत शौक था, तो यहाँ पे मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये चेयर पे जरा बैठ के देखो तो मजा आ जाएगा। तो मैंने चेयर ट्राई की, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने मसाज चेयर ट्राई की तो वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। टाइप्स के तो यहाँ पे सोफे ही थे, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले और क्या ना ले। यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। अभी मैं जिस सोफे बैठी हूँ ना, इस सोफे पे बंदा बैठ के ना अपनी जिंदगी के सारे दर्द दुख भूल सकता है, इतना सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट कि यकीन करें मजा। ये वाला सोफा था जिसकी मैं बात कर रही थी, देखने में भी आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा होगा। ये मैं मसाज ले रही हूँ उस बैठ के, तो कोई इतना कोई खास मसाज नहीं है, बस नीचे से मसाज हो रहा है और कोई इतना खास नहीं है। ट्राई कर रही हूँ तो इसमें हीट भी है और मसाज भी सब कुछ है, लेकिन कोई इतना खास मसाज नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब ऐसे लेट भी सकता है। मुझे ना आजकल वाइट वाइट चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं, जैसे ये वाइट सोफ़ा, ये वाइट टेबल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। हम नहीं ले सकते अब जी, हम अपने पुराने वाले घर में आए हैं और ये चीज़ें रह गई थी जो कि बस थोड़ी सी वाइंड अप करनी है। कुछ चीज़ें हम इनमें से फेंक देंगे, बाकी कुछ चीज़ें ले जाएंगे। तो इसको वाइंड अप करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिलहाल ये देखें ज़मीन पे ये चीज़ें जो गिरी हुई हैं ना, ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, बाकी वो जो फजूल चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी करनी है। और जैसे हमें उन्होंने घर दिया था नीट, हमें उनको वैसे ही घर देना है। और वॉशरूम में भी स्टैंड पड़ा हुआ, बस हम अपने साथ ये सामान लेके जाएंगे, बाकी जो सोफे वगैरह थे वो मैं फेंक रही हूँ
और ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया, अंधेरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। अभी ये सारा भी क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। चले जी, घर बिल्कुल खाली हो गया है, हम आखिरी दफ़ा इस घर को मिल रहे हैं, तो जी बाय बाय कहते हैं इस घर को, अल्लाह हाफिज़। हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपके साथ, हमें ये प्यारा सा बेबी हमारा बड़ा हो गया यहाँ पे। शैजल के लिए तो ये उसका ही घर है ना, तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि माम पापा क्या कर रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं। यकीन जाने मत बज गई हमारी, इतने ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा काम, उफ अल्लाह। और हम लोगों ने ना अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रख दी हैं, ये ट्रैश यहाँ पे ट्रैश फेंकते हैं यहाँ पे, कि अगर किसी ने कुछ लेना है तो ले ले। लाइक मैं सोचती थी कि लोग क्यों अपनी चीज़ें फेंके जाते हैं, अब समझ में आ रही कि हमारा खुद का दिल है कि ये भी फेंक दो, वो भी फेंक दो, इतनी चीज़ें हम फेंक चुके हैं, बहुत बुरे हालात हो गए। लोगों ने सिर्फ दो टाइम खाना खाया, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत बुरे हालात हो गए, अभी टाइम से नहीं खा रहे, बस काम काम काम। हमने ब्रोस्ट लिया था और फ्राइज वगैरह ली थी साथ में। जी यहाँ पे मैंने शैजे को सुला दिया था, लेकिन मेरी सुई अड़ गई थी कि मैंने ये टेबल को डेकोर करके ही सो, मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, सारा फ्लोर साफ किया, तो बस ये मुझे गंदा लग रहा था उसमें, तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन करते हैं, तो इसकी रेनोवेशन मैंने किया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को कैसा लगा, इन चीज़ों का शौक नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।